हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अबाउट द अपकमिंग रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 350 के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 350। रिसेंटली रॉयल एनफील्ड की एक नई मोटरसाइकिल इंडिया में स्पाई हुई है तमिलनाडु में, एंड इसके ऊपर कंपनी की TN वाली नंबर प्लेट थी, जो कि कंपनी मोस्टली अपनी उस बाइक में लगाती है जो कि टेस्ट हो रही होती है। इस बाइक में आप देखेंगे तो ये देखने में पूरी की पूरी इंटरसेप्टर की तरह ही है, आपको इसमें सभी कुछ सेम लुक मिलता है। बट जो सबसे बड़ा मेजर हाईलाइट है वो ये है कि इसमें आपको सिंगल साइड एग्जॉस्ट मिलता है। आपको याद हो आपको इंटरसेप्टर 650 में ट्विन साइड एग्जॉस्ट मिलता है, आपको दोनों तरफ एग्जॉस्ट पाइप मिलता है। बट जो नई इंटरसेप्टर 350 आने वाली है उसमें आपको सिंगल साइड एग्जॉस्ट मिलता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी अपकमिंग रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 350 के बारे में सभी कुछ बताने वाला हूँ। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट मोटरिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 350 क्यों बना रही है। सो अगर आपको याद हो कुछ दिनों पहले न्यूज़ में आई थी कि कंपनी के एक टॉप ऑफिशियल ने एक मीडिया वाले को कहा कि वो एक साल में 4 मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। यानी कंपनी हर साल 4 मोटरसाइकिल लॉन्च करना चाह रही है, एंड वो अगले 7 साल में 28 नए मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी इन द इंडियन मार्केट। सो अगर कंपनी को 28 नए मोटरसाइकिल लॉन्च करने हैं, हर 3 महीने में एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च करनी है, तो कंपनी को एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड एग्जिस्टिंग जो इंजिनस हैं उनका यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो कंपनी ने कुछ दिन पहले रॉयल एनफील्ड मेट्रियोर 350 लॉन्च किया था, जो कि एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर है। आपको इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, एंड साथ ही आपको उसमें एक ऑल न्यू इंजन मिलता है। वही जो इंजन आपको मेट्रियोर 350 मिलता है, वही सेम इंजन अब आपको इंटरसेप्टर में मिलेगा, जो कि कहलाएगी इंटरसेप्टर 350। कंपनी इसमें आपको मीटियोर वाली प्लेटफॉर्म, मीटियोर वाले इंजन और मीटियोर वाले फीचर्स देंगे, बट इसकी जो लुक्स होगी वो इंटरसेप्टर से काफ़ी मिलती जुलती होगी, एंड इसकी जो सीटिंग पोजीशन होगी वो भी इंटरसेप्टर वाली होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज इंटरसेप्टर 650 जो मोटरसाइकिल है वो काफ़ी अच्छी है फॉर क्रूजिंग। लोग उसे आमतौर पर इसलिए लेते हैं बिकॉज वो क्रूजिंग करने के लिए काफ़ी अच्छी बाइक है, एंड उसकी इंजन भी काफ़ी पावरफुल है। अब जो 350cc वाली इंजन आई है वो भी कम पावरफुल नहीं है, अगर आप उसे चाहें तो आसानी से क्रूजिंग कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया राइड भी कर सकते हैं। सो कॉस्ट बचाने के लिए एंड ज़्यादा लोग ये बाइक खरीद सकें, इसलिए कंपनी क्या करेगी, आपको इंटरसेप्टर वाले लुक्स देगी, इंटरसेप्टर वाले आर्गोनॉमिक्स देगी, एंड जो फीचर्स, पावरट्रेन एंड हार्डवेयर जो है वो आपको मीटियोर वाले मिलेंगे। सो ये दोनों बाइक मिलकर बन जाएगा इंटरसेप्टर 350। अब इसका असली नाम इंटरसेप्टर 350 होगा या कुछ और, वो हमें टाइम के साथ पता चलेगा। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो आपको इसके पीछे वही रेक्टेंगुलर टेल लैम्प मिलता है, रेक्टेंगुलर टर्न इंडिकेटर्स हैं, एंड सिंगल साइड एग्जॉस्ट है। ऑल्सो जो इसका सस्पेंशन है उसमें आपको येलो कलर का कैनिस्टर दिखता है, गोल्डन कलर का कैनिस्टर, जो कि कम्प्लीटली सिग्निफाई करता है आपको इंटरसेप्टर वाले ही सब कुछ मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इंजन की, तो आपको इसमें एक 349cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलेगा, जो कि डेवलप करेगा 20.2 पीएस ऑफ पावर एट 6100 आरपीएम एंड 27 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क एट 4000 आरपीएम। आपको ये इंजन एक 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स से मिलेगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स एंड पीछे आपको गैस चार्ज मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेंगे। ब्रेक्स की बात करें तो आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक मिलेंगे, एंड आपको इसमें एक डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। साथ ही बात करें फीचर्स की, तो आपको मीडिया 350 में काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, एंड हम उम्मीद करते हैं जो नई इंटरसेप्टर 350 आएगी उसमें भी आपको ढेर सारे फीचर्स मिलेंगे, इंक्लूडिंग रॉयल एनफील्ड की कनेक्टेड टेक वाली फीचर्स, लाइक उसमें आपको जो ट्रिपल नेविगेशन मिलता है वो आपको इंटरसेप्टर 350 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें लॉन्च डेट एंड इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो लॉन्च डेट अभी हम कुछ कह नहीं सकते, बट जैसे कंपनी ने कहा है कि वो हर साल 4 नए मोटरसाइकिल लॉन्च करेगी, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसे 2021 के सेकेंड हाफ में इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगी, एंड ये लोगों को काफ़ी पसंद आएगी बिकॉज इंटरसेप्टर वाले लुक्स एंड मीटियोर वाले फीचर्स। प्राइस की बात करें तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी की प्राइस रखी जाएगी अराउंड ₹2 लाख एक्स शोरूम, एंड ये राइवल करेगी जावा की 42, जावा जो मोटरसाइकिल है वो बेनेली इंपीरियल 400 एंड रॉयल एनफील्ड की खुद की जो मीटियोर 350 है वो भी इसे राइवल करेगी बिकॉज दोनों की प्राइस पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो आपकी ये कैसी लगी, रॉयल एनफील्ड अगर ये स्टेप उठा रही है, हर साल आपको 4 नए बाइक्स मिलेंगे एंड कंपनी भी अपने पावर ट्रेन और फीचर्स जो आपस में बांटेगी, आपको ये स्टेप कैसी लगी, और क्या आप इंटरसेप्टर 350 के लिए एक्साइटेड हैं? मेरे हिसाब से इसका नाम जो है वो हंटर या शेरपा भी होता है, बिकॉज कंपनी ने पहले ट्रेडमार्क किया था
बट इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। आपके थॉट्स है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 350 को लेके, अपने थॉट्स आप कमेंट जरूर से करें। आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।